हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभा और आपका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग विद विभा पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है अमेज़ॉन किचन हॉल का वीडियो। मैंने अमेज़ॉन से कुछ किचन एसेंशियल्स की चीज़ें खरीदी और सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को आपके सामने अनपैक किया जाए और इनका रिव्यू शेयर किया जाए। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट मेरे अमेज़ॉन किचन एसेंशियल लिस्ट में है वो है ये वुडन कटलरी होल्डर। ये कटलरी होल्डर ब्राउन कलर का है, लाइट वेट है और स्टर्डी है। ये हैंडक्राफ्टेड है, ईगो फ्रेंडली है और ब्रांड का नाम है वुड आर्ट स्टोर। ये बहुत ही ट्रेंडी तरीका है आपके स्पून और टेबल एक्सेसरीज को स्टोर करने का। आप इसे अपने किचन में, डाइनिंग टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। मैंने इस वुडन कटलरी होल्डर को अपने किचन के काउंटर टॉप पर रखा है। ये वुडन कटलरी होल्डर की कीमत है 149 रुपीज़। क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे थे तो मुझे 149 रुपीज़ में मिला। ये कॉस्ट वेरी हो सकता है डिपेंडिंग कि किस तरीके के डिस्काउंट्स और सेल अमेज़ॉन पे चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड अमेज़ॉन किचन एसेंशियल प्रोडक्ट है वो है ये अमेजिंग वुडन ब्राउन किचन टिशू होल्डर एंड टिशू पेपर स्टैंड। ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें रोज़ वुड को यूज़ किया गया है। ये काफ़ी स्टर्डी है, ड्यूरेबल है, दिखने में भी बहुत स्टाइलिश है और आपके किचन में एक बहुत ही अमेजिंग एडिशन है। अगर आप किचन डेकोर को काफ़ी वेटेज देते हो तो मुझे लगता है कि ये टिश्यू होल्डर आपके किचन में डेफिनेटली होना चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ है और दिखने में भी बहुत स्टाइलिश है। इसकी कुल कीमत 185 रुपीज़ है। जो तीसरा अमेज़ॉन किचन एसेंशियल प्रोडक्ट है वो है ये ब्लैक कलर का लेजी सुजन ऑर्गेनाइज़र। फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव रखते हैं तो लेजी सुजन एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने का। आप इसमें किसी भी तरीके के लूज़ आइटम्स रख सकते हैं या हार्ड आइटम्स भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेजी सुजन को अपने किचन में यूज़ किया है टू कीप टमाटो केचप बॉटल्स, पिकल बॉटल्स, और ये बहुत ही ईजी फंक्शनल हो जाता है किचन में काम करते वक्त। ये लेजी सुजन की कुल कीमत है 220 रुपीज़। जो चौथा अमेज़ॉन प्रोडक्ट है वो है ये पेपर प्लेन डिज़ाइन ब्रांड का वॉल आर्ट वुडन किचन डेकोर आइटम। ये मुझे मिला था 4 के पैक में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 3 दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बोर्ड को यूज़ कर लिया है। अब ये जो बोर्ड हैं ये मल्टीपल कलर्स में और डिफरेंट साइजेस में आते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसके पीछे इस तरीके के स्टिकी टेप्स लगे हुए हैं तो इसकी कवरिंग निकाल के आप इसे कहीं भी स्टिक कर सकते हैं अपने किचन में। मैंने इस तरीके के बोर्ड्स को वॉल पे और फ्रिज पे स्टिक किया है, आप आगे के फुटेज में देखेंगे। और ये बोर्ड्स पे बहुत ही अच्छे कोट्स लिखे गए हैं, बहुत ही मज़ेदार कोट्स लिखे गए हैं। इनका जो टेक्सचर है वो वुडन टेक्सचर है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ है और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का कोट है, यू आर वॉट यू ईट, ये जो बोर्ड है ये मैंने अपने फ्रिज पर लगाया है और बाकी के जो 3 हैं वो अपने किचन के वॉल पे और फर्नीचर्स पे लगाऊंगी। तो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका लगा अपने किचन को डेकोरेट करने का। ये बहुत ही क्लासी लगता है, स्टाइलिश लगता है और देखने में भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये चारों बोर्ड मुझे मिले हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस लगा मुझे इतनी ब्यूटीफुल किचन डेकोर आइटम के लिए। जो फिफ्थ प्रोडक्ट है अमेज़ॉन किचन एसेंशियल का वो है ये मल्टी यूटिलिटी रैक। ये रैक आयरन का बना हुआ है और ये वाइट कलर का रैक है। आइडियली ये अमेज़ॉन पे कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है। ये रैक मुझे मिला है 199 रुपीज़ में। ये एक मल्टी यूटिलिटी स्टोरेज रैक है और मैंने इसे अपने किचन में यूज़ किया इस तरीके से, ये ग्लासेस रखने के लिए, बोल्स रखने के लिए। ये बहुत सुंदर भी लगता है और कैबिनेट्स को भी बहुत ही ऑर्गेनाइज रखता है, स्पेस भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है।
जो छठवां प्रोडक्ट मेरे अमेज़ॉन किचन एसेंशियल में है वो है ये होम किचन ब्लैक बोर्ड स्टिकर्स। ये स्टिकर्स रिसेंटली मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था फॉर स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टिकर्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं अगर आपको किचन में स्पाइसेस स्टोर करना है तो। इन स्टिकर्स की कुल कीमत है 110 रुपये। आपको मे बी 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस देने पड़ सकते हैं, बट दे आर वर्थ इट। एक प्रॉब्लम है कि इनके कुछ कुछ स्टिकर्स की जो गम है वो थोड़ी लूज़ है, लेकिन कुछ ही स्टिकर्स की, सारे स्टिकर्स की नहीं। और आप इन स्टिकर्स पे लिखने के लिए इस तरीके की वाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिर्फ 7 रुपये में आती है। ब्लैक स्टिकर्स की तरह आपको ये वाइट स्टिकर्स भी अवेलेबल होते हैं अमेज़ॉन पे, तो अगर आप ब्लैक के बदले वाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गार्बेज बैग ऑर्गेनाइज़र या पॉलीथिन बैग ऑर्गेनाइज़र। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, दिखने में ये छोटी है लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है और स्पेस है बहुत ही अच्छी है, और इसके ऊपर एक ढक्कन भी दिया गया है। आप इसमें अपने गार्बेज बैग और दूसरे जो पॉलीथिन बैग, क्लॉथ बैग जो आप यूज़ में नहीं कर रहे हैं, बाद में यूज़ करेंगे, इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके पीछे ये दो होल्स दिए गए हैं जो कि आप कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, इसके पीछे एक एडेसिव हुक भी दिया गया था जो कि किसी काम का मुझे नहीं लगा, तो मैंने उस एडेसिव हुक्स को कहीं और यूज़ कर लिया और मैं इसे खिले पर हैंग करती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र की कीमत है 399 रुपीज़, जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। दूसरे भी जो अच्छे ऑप्शंस हैं अमेज़ॉन पे तो आप वो चेक कर सकते हैं, लेकिन 399 में आई विल से ये काफ़ी वर्थ इट है क्योंकि बहुत ही अच्छे से गार्बेज बैग और दूसरे पॉलीथिन बैग, क्लॉथ बैग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये डस्टबिन बैग ऑर्गेनाइज़र लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ये स्टर्डी नहीं है, काफ़ी हिलता डुलता रहता है। जहाँ मैंने इसे हैंग किया है कहीं ये टेढ़ा हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी इसके ढक्कन अच्छे से बंद नहीं होता। यस, ये थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल इट्स ओके प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है आइकिया का ये अमेजिंग कटलरी होल्डर। तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही कटलरीज है, इसलिए मैंने ये ब्यूटीफुल आइकिया का कटलरी होल्डर बाय किया अमेज़ॉन से। लेकिन ये एक बहुत ही स्पेशियस, स्टाइलिश, ड्यूरेबल, स्टर्डी कटलरी होल्डर है। इसका ग्लास भी काफ़ी मजबूत है। इसकी कीमत थी 150 रुपीज़ जब मैंने बाई किया। आप अमेज़ॉन पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस वक्त इसकी कीमत क्या है। नेक्स्ट है ये अमेज़ॉन सोलेमो का ये कांच का यानी कि ग्लास का टिफ़िन, जो कि मैंने 4 के सेट में बाय किया। हालांकि मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ इस प्रोडक्ट से क्योंकि इसका लॉक सिस्टम बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग है। ये इतना स्पेशियस नहीं है, इसमें जगह नहीं है, राउंड शेप में है तो ये और थोड़ा मतलब स्पेस में कॉम्प्रोमाइजिंग है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये टिफ़िन जैसा तो कोई काम नहीं करता। इसे मैं फ्रिज में यूज़ कर रही हूँ फॉर स्टोरिंग वेजीज और एक्स्ट्रा पास्ता और जो भी कुछ लेफ्ट ओवर हो जाता है खाना बनाने के बाद, मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ इन टिफ़िन्स में। आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ यूजिंग दीज टिफ़िन्स, क्योंकि अब तो मैंने ले लिया है तो किसी ना किसी तरीके से तो यूज़ करना ही है। लेकिन अगर आप इसे लंच बॉक्स के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका लॉकिंग सिस्टम बहुत ही ख़राब है। आप इन टिफिन्स को माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं और इनकी कुल कीमत है 799 रुपीज़। दसवां प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ॉन से बाय किया वो था ये ग्लास जग, जिसकी कुल कीमत है 499 रुपीज़। ये ग्लास जग लिड के साथ आता है, हालांकि जो लिड है मैंने मिसप्लेस कर दिया है, मुझे इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी लिड वाइट कलर की थी। और ये टोटल जग 499 का है, ग्लास का है, ये बिल्कुल भी केमिकल्स लीच नहीं करता और काफ़ी लंबा है ये ग्लास जग।
सो ये इसमें काफ़ी पानी स्टोर हो जाता है, एक अच्छा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का जग है ये, कलर ट्रांसपेरेंट है और ये 100% बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये डिशवॉश सेफ भी है। जो 11वां प्रोडक्ट है वो है ये रबर वुड ट्रेज। ये ट्रेज मैंने 2 के सेट में ख़रीदा है और ये टोटल कीमत है 600 रुपीज़, क्योंकि उस वक्त कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे तो ये ट्रे मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गए। हालांकि इसकी एक्चुअल कीमत वेरी होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, कभी 1000, कभी 1500 और कभी 800, 900। तो आप जैसे ही डिस्काउंट या कोई सेल आए तो आप चेक करते रहिए, आपको ये ट्रे काफ़ी अच्छे दाम पे मिल जाएगा। इस ट्रे को मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट्स रखने के लिए और इस तरीके की पानी की बॉटल्स रखने के लिए। जो 12वां प्रोडक्ट है वो है ये लिक्विड, जो कि हार्ड वाटर स्टेन और किचन के ग्रीस को हटाने में मदद करता है। तो ये एक तरीके का क्लीनिंग लिक्विड है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन बहुत ऑयली हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है आपके किचन को क्लीन करने का। और जो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आता है जिससे टैप्स ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो लिक्विड है ये हेल्प करता है हार्ड वाटर स्टेन्स को रिमूव करने में। ये एक लिक्विड की कीमत है 351 रुपीज़। सो मैंने 2 बाई किया था, एक हार्ड वाटर स्टेन रिमूवर और एक किचन ग्रीस रिमूवर। सो मुझे ईच बॉटल 351 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये अमेज़ॉन किचन एसेंशियल हॉल पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी दीजिएगा। दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।